कृष्ण गौरी हर को मांगलिये गुड़ लड्डू साई सुर भर को महिमा कहीं न जाए लागत हो पर को जय देव जय देव। जहां देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है, हर घर में खली मोहल्ले चौक चौराहे में बप्पा विराज चुके हैं और इस बार अलग अलग तरीके से बप्पा की मूर्तियां विराजी हैं और साथ ही अलग अलग तरीके से गणेश पंडाल भी सजाए गए हैं। हम आज इस राजधानी रायपुर के कालीबाड़े स्थित गणेश पंडाल में पहुंचे हैं जहां पे कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ का जो पंडाल है वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना सुंदर है और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। आप देख सकते हैं पूरा टाइटैनिक के शेप में, ये पूरा टाइटैनिक जहाज के शेप में ये पंडाल सजाया गया है। तो आइए हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि ये पंडाल कब से सज रहा है, कितनी इसमें कितनी लागत लगी और कहाँ से मिस्त्री आए हैं जो इस पंडाल को बनाए हैं, तो इन सब बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए। जय भोले। गणेशोत्सव समिति का ये 2500 वर्ष कांड है जो हर तरह हर साल मनाया जाता था, उससे भी बढ़ चढ़ के इस साल मनाया जा रहा है और इसमें आदरणीय रायपुर शहर के महापौर आदरणीय अजय ढेबर जी का संरक्षण में ये सब चीज़ काम होता है और उनका आशीर्वाद पूरा रहता है। और ये जितने भी कारीगर आए हैं ये कलकत्ता से आए हुए हैं, करीब ये 1.5 महीने 2 महीने से पहले से आते हैं और तैयारी करते हैं, जो आज इस रूप में देखा जा रहा है टाइटैनिक के रूप में इस बार नया कुछ बनाया गया है जय भोले गणेशोत्सव समिति के द्वारा और हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी अच्छे से धूमधाम से मनाया जाएगा। आप हमें बता सकते हैं कितनी लागत लगी होगी इसको बनाने में? देखिए, इसके लागत का ये है कि करीब करीब जो मूर्ति आते हैं अपन माना से लाते हैं कृष्ण कलाकार के यहाँ से, जो 6-7 लाख के समथिंग लगता है। और जो टाइटैनिक जहाज बनाया गया है इसमें पूरा तरीके से जो बांस बल्ली और प्लास्टिक सीट और प्लाई से बनाई गई है और बहुत सारे देखिए इसमें अपना शहीद और जो हमारे परम वीर लोगों हैं उनका भी चित्र आकर्षित किया गया है इसमें, ताकि सभी लोग को ये देखा समझाया जाए कि इसमें सभी देशभक्त का भी इसमें आशीर्वाद है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो कारीगर यहाँ आए हैं ये कोलकाता से आते हैं, तो उनके रहने खाने का ये सब व्यवस्था आप लोग खुद ही करते हैं? जी, सभी जितने भी यहाँ पर आते हैं 25 से 55 के आसपास के कारीगर हैं इसमें, जो सभी लोग का व्यवस्था जो रहने होने का भी जो है हमारे यहाँ पर सामुदायिक सरकारी सामुदायिक भवन जो नगर निगम बनाया हुआ है उसमें इन लोग सब रह रहे हैं और खाने होने का व्यवस्था भी जयवलोक गणेशोत्सव समिति द्वारा इनका पूरा देख रेख किया जाता है। तो अभी ये जैसे कि मुझे दिख रहा है कि अभी भी ये बन रहा है, अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, तो अभी आप बता सकते हैं कि कितना टाइम इसमें और लगने वाला है? देखिए, अभी मूर्ति जो बन रहा है अभी पूर्ण रूप से पूरा आकृति नहीं किया गया है, अभी 2 दिन कम से कम लगेगा ये पूर्ण रूप से बनने के लिए। और जितना बांस बल्ली भी लगाया हुआ है, आधा अशोक चक्र जी भी नहीं लगाए हैं ऊपर में, ये सब चीज़ लगने वाला है। तो हमारे साथ कारीगर भी मौजूद है जो ये जहाज बना रहे, तो आइए हम इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? हाँ, मेरा नाम पंचुराम घरामी। कोलकाता से आए? कोलकाता से आया हूँ, कम दो महीने काम कर रहा हूँ और अभी आज फिनिश तो हो जाएगा और खोलने भी टाइम लगेगा। दो महीने हो गया इसको काम करते हुए। 20 आदमी आए हैं। तो आप लोग इससे पहले भी आए हैं या आप लोगों का ये फर्स्ट है? 1984 से भाई के पास काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, यहीं पर अभी कोई जगह काम करता हूँ तो मिल जाता है तो करता हूँ काम, लेकिन भाई के पास 1984 से छोटा सा आज 25 साल का जुबली काम हो रहा है। क्या क्या चीज़ें इसमें लगी हैं? लगा है बांस बोली रस्सी प्लाईवुड खिला वगैरह सब लगा है। तो आप लोग सिर्फ यहाँ राजधानी रायपुर में ही काम कर रहे हैं, इसके अलावा भी कहीं और जाते हैं? कोई जगह बुलाता है चला जाता है वहीं पे काम करने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो लेकिन यहाँ आना हर साल गणेश पूजा में हमको करना है, जब तक जिंदा है तब तक करना है, भाई को ऐसा बोल रहा हूँ। ये बना सकते हैं, 25 साल पहले टाइटैनिक जहाज जिस टाइम पिक्चर बनाया ना उस टाइम सारे इंडिया में हो गया, वही चीज़ बना के वो 4 बनाया, एक सूरत में और 2 कलकत्ता में और 1 गांव में, और इसी का बाद यही हुआ। तो छत्तीसगढ़ में पहली बार है ये।
और अभी आप लोग कितना दिन और लगने वाला है इसमें? नहीं, आज खत्म हो जाएगा। तो आप लोग फिर यहाँ मतलब अभी रुकोगे, पूरा गणेश उत्सव मना के जाओगे या फिर चले जाओगे? नहीं रुकेगा, ये दुर्गा पंडाल बनेगा ना। तो अभी हमने आपको कालीबाड़े का पंडाल दिखाया, हम दिखाते हैं आपको यहाँ की मूर्तियाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी और काफ़ी सुंदर विशाल मूर्ति, भव्य मूर्ति बनाई गई है यहाँ पे, और अभी भी इसका काम लगभग चल ही रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है, जहाज के अंदर ये मूर्तियाँ रखी गई है। तो आपने देखा गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन हम पहुँचे थे कालीबाड़ी स्थित गणेश पंडाल में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से पूरी पंडाल सजाया गया और साथ ही बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे मूर्ति भी है। तो ऐसे ही हम आपको और भी पंडालों से रूबरू कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर। जय जय श्री गणराज विद्या सुखदा।